नमस्कार, जनप्रवाद में आपका स्वागत है। आपके शहर की खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। बिहार में शिक्षकों का धरना प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सासाराम में माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने धरना दिया। समाहरणालय से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तक शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने DEO कार्यालय का घेराव करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। 48 शिक्षकों का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से वे लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, इसके बाद भी सरकार दमनकारी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनवरी और फरवरी का वेतन रोकने के साथ निलंबन की कार्रवाई भी जारी है, जिससे वे लोग निराश हैं। हम 25 तारीख से हड़ताल पर हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार दबाव में पदाधिकारियों से हम लोगों के शिक्षक शिक्षिकाओं को निलंबित करा रही है, FIR करा रही है, डराने धमकाने की हर कोशिश कर रही है। हम आज उस दमनात्मक कार्रवाई का विरोध करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जा रहे हैं और हमारी कार्यावधि का वेतन भुगतान भी अब तक नहीं हो पाया है। विभिन्न तरह की बकाया राशि अभी लंबित है कार्यालय में, उसके लिए हम जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार पांडे नाम हुआ।